बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो रिलीज होती हैं और रिलीज होते ही विवादों में गिर जाती हैं। हालांकि उनका पीआर स्टंट भी होता है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी है जो तब से सुर्खियों में बनी हुई है जब से इसको बनाने के लिए विवेक अग्निहोत्री ने अनाउंसमेंट की है। और कल ये मूवी रिलीज हो गई है और रिलीज होते ही एक बार फिर से ये सुर्खियों में आ गई है, विवादों में आ गई है। तो हुआ क्या है कि जम्मू कश्मीर में कल द कश्मीर फाइल को सभी सिनेमाघरों में दिखाने के लिए रोक दिया गया, जबकि ज़्यादातर सिनेमाघर हाउसफुल थे। लोग कश्मीर की सच्चाई पर बनी फिल्म को देखना चाहते थे और टिकट बुक करवा चुके थे, लेकिन अचानक उनको फिल्म दिखाने से मना कर दिया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक कोर्ट ने इस फिल्म के निर्देशक यानी कि विवेक अग्निहोत्री जी को ये आदेश दिया कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की उस सीन को या तो बदला जाए या तो फिर हटा दिया जाए जिसे फिल्म में दिखाया गया है। कोर्ट ने आदेश दिवंगत स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी निर्मला खन्ना के अदालत में याचिका दायर करने के बाद दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो शायद ये सीन और इसकी हकीकत आप लोगों को समझ में ना आए। वैसे इस फिल्म को मैं कल देख कर आया हूँ। एक एक सीन सत्य घटनाओं पर और फैक्ट पर बनी है और जिन दिवंगत स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी की बात हो रही है वो 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर में शहीद हुए 4 वायुसेना कर्मियों में से एक थे। इन पर हमला जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के प्रमुख ने किया था। वैसे उनकी पत्नी ने ये याचिका क्यों दायर की मेरे समझ के परे है, क्योंकि जिस तरह का फैक्ट देखने को पब्लिक डोमेन में मिलता है वो फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ये फिल्म जिस तरह से बनी है बहुत सी छुपी हुई सच्चाई सामने आ रही है। उन्होंने बड़ी सादगी से बताया कि कैसे आज का नवयुवक नैरेटिव के जाल में फंसा हुआ है, कैसे एक नैरेटिव की लड़ाई चल रही है और कैसे कुछ लोग हैं, कैसे कुछ विचारधारा के लोग हैं जो नवयुवकों को इस नैरेटिव के जाल में फंसाते हैं, इस लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। और अंत में उन्होंने ये बताया कि आपको इस नैरेटिव के जाल से कैसे निकलना है, कैसे उनके मायाजाल से बचना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए, अपने भारत के अपने कश्मीर के इतिहास को जानिए। और अगर आप देख चुके हैं इस फिल्म को तो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके नीचे जरूर बताइए। मिलता हूँ जब नए वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।